तो ये वो तस्वीरें हैं जिसका इंतजार तमाम देशवासियों को था, क्योंकि ऐलान होने वाला है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी कि चुनाव का। देखिए प्रगति, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर हम ये मानकर चलें करीब 700-750 करोड़ आबादी पूरे दुनिया की, उसमें 100 करोड़ इस बार लगभग वोटर हैं, और इतनी बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है, और ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि 97 करोड़ वोटर हैं, ये छोटी संख्या नहीं है अगर हम पूरे दुनिया की आबादी के हिसाब से देखें, और वो सब वोट करेंगे, और किस दिन वोट करेंगे उसका ऐलान आज होने जा रहा है। बिल्कुल, और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ देर में, और अब ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही होने वाली है। 3 बजे का समय दिया गया था, और लोकसभा के साथ ऑल द पीपल स्टैंडिंग इन द एम्स टू काइंडली टेक देयर सीट्स। भाई साहब थोड़ा बैठ जाएंगे आप बैठिए बैठिए। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा के साथ 4 राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी आज ऐलान होना है, आज तय हो जाएंगी इनकी तारीखें भी। बिल्कुल, राज्यों का भी ऐलान होना है, तो हम ये मानकर चलें प्रगति की थोड़ी सी लंबी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और पहले जैसे हमने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था कि चुनाव आयोग की तैयारी क्या है, वोटर्स कितने हैं, उनका रेशियो क्या है, और पिछले कुछ दिनों में चुनाव आयोग ने तैयारियां क्या की हैं जिससे वोटिंग परसेंटेज बढ़े, तो उन सबको लेकर मे बी एक प्रेजेंटेशन हो। और क्योंकि ये कोई राज्यों के चुनाव का ऐलान तो नहीं है, लोकसभा के चुनाव का ऐलान है, तो हर राज्य में कौन सी तारीख को मतदान होगा, चरण जो 6 होंगे या 7 है, वो बयानबाजी तर्कसंगत होनी चाहिए, संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल उनको करना चाहिए और ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। तो इससे पहले एडवाइजरी राहुल गांधी को जारी की गई थी, लेकिन आज भी चुनाव आयोग निश्चित तौर पर यह बात जरूर कहेगा कि जो भी नेता बोले तौल कर बोले, नाप तौल कर बोले, और कोई ऐसी बात न करें जो लोकतंत्र के खिलाफ हो, देश के संविधान के खिलाफ हो। और चुनावी प्रक्रिया जो चलेगी वो निश्चित तौर पे जो चुनावी गाइडलाइंस होंगे उसी के अनुसार चलेगी, अगर उसके अनुसार नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई भी चुनाव आयोग जो है करता रहता है। चुनाव आयोग ने बकायदा पूरी इसके लिए टीम बना दी है, पूरा मैकेनिज्म बना दिया गया है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार जब भी कोई नेता करेगा तो उनके आसपास जो उनकी निगरानी टीम रहेगी वो देखेगी कि जो भाषा जो है मर्यादित है अमर्यादित है। एक बार ठीक एक बार फिर से हम देखिए पीछे आपको कि भाषा किस तरह की है, और पिछला विधानसभा चुनाव हमें मोहित याद है कि बेहद अच्छा चुनाव निकला और हमें कुछ ऐसा प्रगति नहीं देखने को मिला था जिसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई हो, और ये चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कोशिश की है, मॉनिटरिंग की है, कई नेताओं को हमने देखा है कि बैन किया गया है प्रचार से, चाहे वो एक दिन की ही कार्रवाई हो, तो चुनाव आयोग की जो वो सख्ती है उसका असर अब दिख रहा है, नहीं तो एक समय ऐसा था कि बहुत उनको लेके विशेष तरीके की रियायत दी गई थी। पोलिंग एजेंट जो चुनाव आयोग की टीम है खुद उनके घर तक जाती है, वहां पे मतदान करवाती है। इस वक्त आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ विज्ञान भवन के इस हॉल में पहुंच चुके हैं, और यहां पर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर के बाद यानी कुछ सेकंडों के बाद अब शुरू होने वाली है। उनके साथ ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त नए हैं, और दूसरे बलबीर संधु जो नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, दोनों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त यहां पे आ चुके हैं, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत देखिए हो चुकी है। अब हम ये मान सकते हैं कि ऑफिशियली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शुरू होगी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त भी पहुंच चुके हैं, और बस अब वो जानकारियां, वो डेट, और खासकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो दर्शक हैं उनको इंतजार ये कि हमारे राज्य में कब चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल, और 2019 और 14 की अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र, तो हमने देखा कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जो चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया, वहाँ वोटिंग के बीच करीब 40 से 50 दिन का अंतर था, क्योंकि जो स्केड्यूल किया जाता है फिक्स्ड वो तकरीबन इतना ही रहता है। इस बार भी उम्मीद यही है, लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि कहाँ कितने चरणों में चुनाव होना है। जिस गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, चरण में चुनाव हुए, आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। It's a big day today for all of us at ECI, and I would like to formally welcome you to this press conference to announce the schedule for general elections and some state assemblies. It's my privilege to introduce the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar Ji, the Honorable Election Commissioner Shri Ganesh Kumar, and the Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu. Also on the dais today are senior officials
who have been a part of Team ECI in the past 2 years and have played a crucial role in the run-up to the general elections, namely Senior Deputy Election Commissioners Shri Dharmendra Sharma and Shri Nitesh Vyas. Also DECs Shri Yudesh Kumar, Shri Ajay Badu, Shri R.K. Gupta and Shri Manoj Sahu. Another crucial team member has been DGIT Srimati Neeta Verma. Also on the dais is our Joint Director Media Anu Chandak, who is familiar to most of you here. I am V. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with the presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after this event is over. The PC is also being live streamed on X along with the slides and live streamed on our YouTube and Facebook. Following this PowerPoint, there will be a question and answer session. When you want to ask a question, raise your hands. Wait for a chance to be called by me to put your question. I will direct the mic to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your question. I request you to be brief and ask only one question at a time. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. Thank you. Thank you, Mr. Narayanan. Good afternoon, friends. My recently joined distinguished colleagues, let me introduce you to them. Shri Ganesh Kumarji on my right and on your left, and Shri Sukhveer Singh Santuji on my left, senior officials from Election Commission of India, friends from media, और विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़े हुए देश के मतदाता, आप सबको सबसे पहले अभिनंदन, नमस्कार। आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। As you see, our team is now complete. All three of us are here, and we are fully prepared. So now our request is to all the voters to get inked. Please, the entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. I think this is the most awaited press conference in this part of the year. We address you at a precious moment when we as a nation are set to reiterate our pledge to electoral democracy, when Indians will together express their will once again. This is a historic opportunity for all of us. By the way, this year also marks a pivotal moment in the global landscape of democracies. 2024 is a year of elections across the world. Over 5 dozen nations and people will vote across the hemispheres, across the date lines. However, India's elections have been like a pole star, both for its quantity and quality, and I'll elaborate it in detail in this conference. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं चुनाव का पर्व देश का गर्व लेट मी से इन द वेरी बिगनिंग दैट इट इज आवर प्रॉमिस टू डिलीवर ए नेशनल इलेक्शन इन ए मैनर दैट वी एड to our global shine and remain a beacon for electoral democracies across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. जम्मू कश्मीर असेंबली में भी चुनाव जो हैं वी इन द कमीशन अंडरस्टैंड विद ऑल ह्यूमिलिटी एट आर कमांड दैट एवरी इलेक्शन इज ए न्यू टेस्ट एंड फेल्योर इज नॉट एन ऑप्शन द एंटायर इलेक्शन मशीनरी हैज बीन ट्रेन्ड ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट आई हैड माई सेल्फ पर्सनली इंटरेक्टेड विद ओवर 800 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री वी हैव इंटरेक्टेड विद द एसपीज डीएम्स कमिश्नर्स रेंज आईजीज पॉलिटिकल पार्टीज एनफोर्समेंट एजेंसीज इन दिल्ली एंड ऑल्सो वाइल विजिटिंग द स्टेट्स
और पूरी स्टेट्स में इन सबके साथ समीक्षा करने के दौरान और उसके बाद हमें ये विश्वास है कि हम एक यादगार, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे। बिफोर आई शेयर द शेड्यूल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द टू इयर्स पीरियड तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय विच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस। वी हैव 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स, मोर देन द कंबाइंड वोटर्स ऑफ अ फ्यू कॉन्टिनेंट्स पुट टुगेदर, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ऑल मेनी पुट टुगेदर। ओवर 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस एंड कंडक्ट करते हैं, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिशियल्स एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कंडक्ट दोज इलेक्शंस, मोर देन 55 लाख ईवीएम्स, 4 लाख व्हीकल्स, और अब तक हम क्या कर चुके हैं, 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं, ये इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है, 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 16 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ए ट्रूली गोल्ड स्टैंडर्ड, इट्स ए गोल्ड स्टैंडर्ड इन द एंटायर इलेक्शन मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, देर इज ए क्वालिटेटिव लीव फ्रॉक विच कमीशन इज एंश्योरिंग विच वुड बी शोन बाई द आउटकम्स ऑफ द 11 स्टेट इलेक्शन विच वी हैव हेल्ड रिसेंटली। पिछले एक सवा साल के अंदर में 11 इलेक्शन स्टेट असेंबलीज के देश में हुए हैं, और आज जो हम नए 2024 में जा रहे हैं तो इस दृढ़ता के साथ जा रहे हैं कि जो उनके आउटकम्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं। पहले वो पीसफुल हुए, वायलेंस फ्री हुए, जो इसमें से एक दो स्टेट में वायलेंस होती थी वहां भी वायलेंस नहीं हुई, नियर जीरो रूपोल्स, और कैंपेनिंग जो क्लटर है, जो नॉइज है जो कैंपेन के दौरान होती है पॉलिटिकल पार्टी की, उसमें भी घटित देखने को मिली। कोर्ट केसेस रिड्यूस हुए, कोर्ट की टिप्पणियां जो अनावश्यक या हमारे ऊपर में होती थी वो कम हुई, सीजर्स बढ़े, और फेक न्यूज पर एक एक्शन लेने का जो तरीका था वो बहुत बड़ा। तो लास्ट टू इयर्स में इसको और रोबस्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया है ये हम आपको आज दिखाएंगे, और उसको कैसे बेहतर करेंगे ये भी दिखाएंगे। हम कहां पहुंचना चाहते हैं, इस इलेक्शन को किस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं ये भी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाएंगे। अभी जो इलेक्ट्रल साइकिल है उसमें हमने कितनी तैयारी की है ये हम आपको आज शेड्यूल बताने से पहले बताना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो इनपुट के रूप में हमारा जो इलेक्ट्रल रोल है वो प्योर होना चाहिए, ये फाउंडेशन है किसी भी अच्छे चुनाव के लिए। उसमें जिसको होना चाहिए वोटिंग में वो है, और जिसको नहीं होना चाहिए वो नहीं है। हमने इलेक्ट्रल रोल में बहुत मेहनत की है, इनपुट के तौर में मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इतनी चीजें लगती हैं। प्रोसेस के रूप में जो डिसरप्टिव चैलेंजेस हैं, मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, एमसीसी वॉयलेशन, और रीचिंग आउट टू द मिक्सिंग वोटर्स, अर्बन अपैथी, यूथ अपैथी, और ओवरकमिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस जिसमें रीचिंग इन इनएक्सेसिबल एरियाज इन दिस वाइट कंट्री, एंड वॉट आउटकम्स वी वॉन्ट, दैट इज वॉट इज वी विल टेल यू लिटिल लेटर ऑल्सो। तो पहला जो इनपुट है ये एक मोजेक है जो देश की वोटर्स की, इलेक्टर्स की पिक्चर है। क्या दिखाती है ये, इट्स अ वेरी डाइवर्स मोजेक। 96.8 करोड़ आर द टोटल इलेक्टर्स इन द कंट्री, ऑफ विच 49.7 करोड़ आर मेल एंड 47.1 करोड़ आर फीमेल। और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं है, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं, 1.80 करोड़ 18 से 19, और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे
और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी बिकॉज दे हैव अ लार्जर टाइम टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द सोसाइटी. अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए देर आर 88.4 लाख पर्संस विद डिसेबिलिटीज हु आर पार्ट ऑफ आर वोटर लिस्ट. वी हैव मेड ए स्पेशल एफर्ट कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के उनको हम अपने इलेक्टोरल रोल में लेके आए. 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं. वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस. और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी है जो हमारे इलेक्टोरल रोल में. सो द मोज़ेइक इज ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000. तो मोज़ेइक इज लाइक 18 से 19, 20 से 28, 85 ट्रांसजेंडर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड इन द एंटायर कंट्री, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. इस रिग्रेस जो प्रोसीजर है इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये इस मैं आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि हर स्टेज पे इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन करते समय पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि कोई हमसे ये ना प्रश्न कहे कि आपने अपने से इलेक्टोरल रोल बनाया और हमें बताया भी नहीं. सो व्हेन द इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन स्टार्ट्स वी मेक ए ड्राफ्ट पब्लिकेशन. वी गिव 2 कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज. उसके बाद जितने फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 नया नाम जुड़ने के, डिलीशन के, मॉडिफिकेशन के, मेरा नाम बदल है, घर बदल गया, वो सब की कॉपी हम शेयर करते हैं, उसके मिनट्स बनाते हैं. और इस बार हमने और जोर दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे बीएलओस के साथ लगाना चाहें तो लगाएं. और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वी आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट दैट साइलेंटली वी वर वर्किंग. सबने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1, 2, 3 मीटिंग्स की हैं, उनको सारे ड्राफ्ट रोल्स दिखाए हैं. दिखाने के बाद जितने ऑब्जेक्शन हैं वो उनको पूरा किया है और उसके मिनट्स बना के रखे हैं. फ्रेंड्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट एंड वी आर कॉन्शियस दैट ए वेरी सॉलिड इलेक्टोरल रोल इज द फाउंडेशन स्टोन ऑन एनी इलेक्शन एंड वी आर रेडी टू गो विथ दिस. वी ऑल्सो वर्कड ऑन द वुमेन वोटर्स. वुमेन वोटर्स का जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ के अब 948 हो गया, विच इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग इन आर इलेक्ट्रल साइकिल. राज्य देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1,000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज्यादा है. और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं. सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड एंड दिस इज अगेन अ वेरी हेल्दी साइन दैट वुमेन आर आल्सो इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन आर इलेक्शन. और जैसे वुमेन पार्टिसिपेशन है ऐसे ही यूथ पार्टिसिपेशन इज अनदर एरिया विच द कमीशन इज वेरी कॉन्शियस एंड कमीशन इज ऑल्सो कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन. 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19, और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है. एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट दैट आउट ऑफ 13.4 लाख एडवांस एप्लीकेशंस व्हिच हैव कम टू अस, अराउंड 5 to 6 lakhs आर सच हु विल कंप्लीट द एज ऑफ 18 बाई 1 अप्रैल 2024, और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे. यानी इट द रोल वुड बी एज मच अपडेटेड ऑन 1 अप्रैल की कोई भी छूटे नहीं. नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है. हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे. जो इन्फ्लुएंसर्स हैं भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे. और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने
डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज की वजह से कि वो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें। कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हीलचेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा और शेड भी होगा।